पूरे देश में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। इस पर्व को पूरे देश में श्रद्धा और भाव के साथ मनाया जा रहा है। गणेश स्थापना के बाद अब विसर्जन का दौर जारी है। इसी क्रम में आज मुरादाबाद के हाथीवाला मंदिर और लालबाग से विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्तों के द्वारा अमीर और गुलाल उड़ाया गया। यह दृश्य देखने में बड़ा ही मनमोहक था। इस दौरान शोभा यात्रा में मौजूद भक्त नाचते और गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए सुरजीत व कपिल ने बताया। भैया सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम सुरदीप कुमार नाम है मेरा। सुरदीप भाई कौन सी जगह है और ये आज विसर्जन के लिए लेकर जा रहे हैं? काला मंदिर सुंदर घाट समाधि धर्मशाला में गणेश जी को स्थापित कराया जाता है 31 तारीख को और आज 6 तारीख में विसर्जन के लिए जा रहे हैं। सभी कमेटी के सदस्य इसमें लगे हैं और हर्षोल्लास के साथ में सभी लोग मिलजुल के जा रहे हैं। कल अंडरटेकिंग है महानगर वासियों को आज जी जो भी हम पर्व इस तरह से मना रहे हैं गणेश चतुर्थी का शांतिपूर्ण हम सभी लोग मिलजुल कर एक व्यवस्था के अनुसार चले और इस त्यौहार को अच्छी तरह से देखते हैं। प्रेमपाल भाई इस साल जो है दो साल से कोरोना का टाइम था, कुछ नहीं हो पाया था। इस साल किस तरीके से उस त्यौहार क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश अच्छा है। गणेश सबका मौका है और आज ये विसर्जन के लिए ले जा रहा है, किस जगह विसर्जन? बहुत बड़े विसर्जन होगा सर जी, आज विसर्जन के लिए जा रहा है और ये जो बहुत बड़े विसर्जन होगा जामुन का लालबाग। कहाँ से लेके कहाँ तक चालू? आधे रंगे से लेके बासुकी मंडी चौक, बासुकी मंडी तो दीवार में आ रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सभी महानगर वासियों से? क्या महानगर वासियों अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा सहयोग करें, चाहे वो हमारे कोई भाई हो, सब एक जगह सहयोग करें और ये बहुत अच्छा लगेगा। हमारा 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे जिनमें शामिल हैं रेबन, चाइचन, प्राडा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर कृष्णा नगर मथुरा।